हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग अपरेटस के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने जो है ब्रीथिंग अपरेटस का नाम तो सुना ही होगा, या फिर ये जो ब्रीथिंग अपरेटस है इसका आप जो इस्तेमाल है अपने साइड पर करते भी होंगे, लेकिन इसके कितने टाइप्स है, कितने डिफरेंट टाइप्स है वो आपको पता होना काफी जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो से यही जानने वाले हैं। तो ब्रीथिंग अपरेटस को आपको ऑपरेट करना होता है जब भी पोटेंशियल हैजार्डस जो है ऐसा एनवायरमेंट होता है कि जहां पर टॉक्सिक गैसेज जो है वो वहां पर प्रेजेंट हो सकती है। तो इसकी वजह से ये जो है ये आपके सेफ्टी इक्विपमेंट में जो है ये काफी इंपॉर्टेंट जो है ये एक एडिशन है। अब इसका जो यूज है आप सर्टेन एप्लीकेशन के लिए जो है कर सकते हो, जैसे कि फायर फाइटिंग के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कन्फाइन स्पेस वर्क के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब रिलायबल जो ब्रीथिंग अपरेटस सेट है वो काम करता है एज लाइफ सेविंग जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके तहत। तो ब्रीथिंग अपरेटस के ऐसे तीन जो है मेन टाइप्स होते हैं जिसको डिजाइन किया गया है डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला है ईबा, फिर उसके बाद है स्काबा, और फिर उसके बाद है एयरलाइन ब्रीथिंग अपरेटस। तो चलिए अभी इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ईबा के बारे में। तो ईबा यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग अपरेटस। अब ये जो इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग अपरेटस है इसको डिजाइन किया गया है वर्कर के लाइफ को सेव करने के लिए। जब भी हजार्डस जो एरिया है वो बन जाता है लाइफ थ्रेटिंग, तो उस एरिया से जो है एस्केप होने के लिए जो है इसको यहाँ पर डिजाइन किया गया है। इसको इसलिए बिल्ड किया गया है कि जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी हजार्डस एरिया है, जो भी ऐसा इन्वायरमेंट है, तो उस इन्वायरमेंट से जो है वहां पर सेफली जो है वो कैसे एग्जिट हो सके, तो उस लिमिटेड टाइम के लिए जो है ब्रीथिंग एयर जो है ये सप्लाई कर सके, तो उसके लिए जो है यहाँ पर इसको बिल्ड किया गया है। जैसा कि ये जो डिवाइस है ये ऑफर करता है बहुत ही कम जो है ऐसी एयर सप्लाई, और ये जो है ये बेस्ट सुटेड है उस एनवायरमेंट के लिए जहां पर जो है ऐसी कोई भी वहां पर इमीडिएट जो है डेंजर सिचुएशन नहीं है, लेकिन वहां पर जो है ऐसा थ्रेट है कि वहां पर टॉक्सिक गैस या फिर ऑक्सीजन डिफिशियंसी जो है वो वहां पर हो सकती है, तो उस एनवायरमेंट के लिए जो है ये बेस्ट सुटेबल डिवाइस है। अब ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन ब्रीथिंग अपरेटस है ये कांस्टेंट जो है आपको ऑक्सीजन का जो है वो फ्लो सप्लाई करता है, वो भी आपके हुड में या फिर फेस मास्क में। और खास तौर से इसका जो इस्तेमाल है वो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो 15 मिनट तक कर सकते हो। अबीबा का जो इस्तेमाल है वो पर्सन ने उस सिचुएशन से एस्केप होने के लिए करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर कोई वर्कर जो है वो ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहा है कि जहां पर जो है कोई टॉक्सिक गैस जो है वहां पर लीक हो गई है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन से एस्केप होने के लिए, बाहर निकलने के लिए जो है उस पर्सन ने ईबा का इस्तेमाल करना है। चलिए अब जानते हैं दूसरे ब्रीथिंग अपरेटस के बारे में जो है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस यानी कि स्काबा। अब सेल्फ कंटेन जो ब्रीथिंग अपरेटस है इसका इस्तेमाल जो है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब भी ऐसा हजार्डस एनवायरमेंट या फिर जहां पर टॉक्सिक गैसेस या फिर ऑक्सीजन डिफिशियंसी अगर होती है, तो उस वक्त जो है इसको हमें वहां पर ऑपरेट करना होता है। अब यहां पर स्काबा जो है वो अलाउ करता है यूजर्स को सेफली जो है ब्रीथ करने के लिए, वो भी थ्रू आउट जो उसका ऑपरेशन होता है उस ड्यूरेशन में। स्काबा सेट जो है वो हो सकता है कि वो ओपन सर्किट हो या फिर क्लोज सर्किट हो। अब क्लोज सर्किट जो स्काबा सेट है उसको डिजाइन किया गया है ताकि जब भी सेल्फ कंटेन जो ब्रीथिंग अपरेटस है उसका हम इस्तेमाल जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है ब्रीथिंग एयर सप्लाई करने के लिए जो है कर सके उसके लिए, यानी कि ब्रीथिंग एयर जो है वो थोड़ी अगर ज्यादा समय तक अगर आपको चाहिए तो उस वक्त जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ये एयर को रिसर्कुलेट करता है ताकि जो ब्रीथिंग एयर है वो प्यूरिफाई हो सके, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर रिमूव करके फ्रेश ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऐड किया जाता है। और ओपन सर्किट जो स्काबा है उसमें यूज किया जाता है कॉम्प्रेस एयर सिलेंडर्स को ताकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है वहां पर ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब स्काबा सेट जो है वो फॉर्म होता है तीन मेन कंपोनेंट से। तो सबसे पहला है कॉम्प्रेस एयर सिलेंडर, दूसरा है बैक प्लेट जिसमें जो है सिलेंडर को हम होल्ड कर सकते हैं और साथ ही में जो है प्रेशर रेगुलेटर होता है, और तीसरा है वो है फेस मास्क। अब स्काबा का जो इस्तेमाल है वो पर्संस को इमरजेंसी सिचुएशन से रेस्क्यू करने के लिए जो है किया जा सकता है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो काफी कम होता है, यानी कि 45 मिनट के अंदर ही जो है आप किसी पर्संस को जो है यहाँ पर रेस्क्यू कर सकते हो, क्योंकि उसी टाइम तक जो है वो आपको जो है फ्रेश एयर जो है वो सप्लाई करते रहता है। जैसे ही टाइम आउट हो जाएगा तो आपको जो है वहां पर एयर सप्लाई नहीं मिलेगा और आप भी जो है उस डेंजर सिचुएशन में आ जाओगे, इसलिए इस लिमिटेड टाइम में ही जो है आपको पर्संस को जो है वहां पर रेस्क्यू करना होता है।
चलिए अब जानते हैं तीसरे ब्रीथिंग एपरेटस के बारे में, जिसका नाम है एयरलाइन ब्रीथिंग एपरेटस, जिसे लॉन्ग ड्यूरेशन ब्रीथिंग एपरेटस भी कहा जाता है। अब ये जो एयरलाइन यानी कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन ब्रीथिंग एपरेटस है, इसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जहां पर भी सेफ ब्रीथिंग जो एयर है वो रिक्वायर होती हो, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उस वक्त जो है हम इसका इस्तेमाल कर सके। इस ब्रीथिंग एपरेटस सेट का इस्तेमाल करने से जो है जो भी फटीग है जो भी यूजर को होने वाला है उसको हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इसको कैरी करने की जरूरत नहीं होती है और इसको जो है हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो एयरलाइन ब्रीथिंग एपरेटस सेट है, इसका इस्तेमाल हो सकता है आइदर हाई प्रेशर सिलेंडर सोर्स या फिर मीडियम प्रेशर कंप्रेसर में, और यहाँ पर जो है इसका जो होज है वो 100 मीटर तक होता है, और खास तौर से ये जो है ये अटैच होता है फुल फेस मास्क तक, जहाँ पर ये यूजर को जो है फ्रीली वहां पर मूव होने के लिए जो है अलाउ करता है। अब जो भी वर्कर्स कन्फाइन स्पेस में जो है काम करते हैं, तो उसके लिए जो है ये एयरलाइन जो ब्रीथिंग एपरेटस है ये काफी सूट होता है, क्योंकि इसका जो साइज है ये कॉम्पैक्ट होता है और इसकी वजह से काम में जो है कोई भी रुकावट नहीं आती है। हावेवर एयरलाइन जो ब्रीथिंग एपरेटस सेट है उसके साथ में जो है हमें एक बैकअप भी होना चाहिए, ताकि उसके साथ जो है सेकेंडरी सप्लाई जो है वहां पर हो, क्योंकि इनकेस अगर ये अगर फेल हो जाता है तो उस वक्त जो है हम इसका इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग एपरेटस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।